जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्या है ये मामला जानू ना मैं जानू ना, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ट्राई भी किया लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन ही नहीं आया, कोई कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई शो हो, कोई नेडल हो, बना जाता है लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं माइक वाली सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर तरीन और फेमस तरीन इलाके में, लाहौर होटल, जहाँ पर ये मोटरसाइकिलों की मार्केट है। यहाँ पे तमाम किस्म की मोटरसाइकिल मिलती है। यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं हुसैन भट्ट साहब, ये तकरीबन 4-5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन ये बहुत आला सिंगर हैं। ये पूरी मार्केट ने लोगों ने बताया कि ये बहुत आला सिंगर हैं, लेकिन इनको अभी तक चांस नहीं मिला। तो हम माइक वाली सरकार की टीम इनको चांस दे रही है कि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें और देखते हैं कि उनको किस लेवल तक लेके जाते हैं इंशाल्लाह। आए जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक सर। भट्ट साहब, कब से अब शौक है आपको ये सिंगिंग का? भाई जान, मुझे तो बचपन से शौक है लेकिन चांस तो कभी भी नहीं मिला ना। ट्राई किया आपने? ट्राई भी किया लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन ही नहीं आया, कोई कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई शो हो, कोई नेडल हो, बंदा जाता है लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। कोई ऐसा आए नहीं है सीजन वगैरह जहाँ पे हम जाएँ अपनी आवाज़ दिखाएं जाके, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और सर मुझे कोर्ची बताओ, सिंगर बने कैसे हो आप? ये तो कुदरत वाली कुदरत से ऐसी है। नहीं, दो तरीके होते हैं ना, एक तो बंदे को होता है गॉड गिफ्टेड होता है, और दूसरा होता है इश्क। इश्क पे जो ठोकर लगती है ना ऐसे करके, वो बना देती है सिंगर, वो भी हो सकता है। इश्क तो वैसे हुआ नहीं है लेकिन गॉड गिफ्ट ही है। अच्छा चले जी, चले जी फिर सुनते हैं भाई से। ये गॉड गिफ्टेड है, आपको सबसे अच्छा गाना लगता है आपने वो सुनाना है। हमने आपसे 3 गाने सुनने हैं अच्छे वाले, और आपने दिल खोल के गाना है, कोई नहीं शर्माना कि साइडों पर कोई है नहीं है। जी भट्ट साहब, ये बल्कि आप माइक पकड़ के गाएं प्रॉपर जैसे किसी कॉन्सर्ट पे गाते। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जी हुसैन भट्ट साहब ने बहुत आला गाना गाया है, अब इनसे हमने टोटल 3 गाने सुने हैं, बल्कि 4 जी। अब आप कोई और गाना सुनाए जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, यानी कि दिल से वाला जो होता है ना वो वाला। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूल था वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें गुजरा, शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या बता। क्या है ये मामला
जानू ना मैं जानू ना दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। बहुत आला यार बहुत आला मजा आ गया भाई जान लास्ट गाना और वो ऐसे गाने हैं कि परफॉर्मेंस भी देनी है साथ परफॉर्मेंस साथ देनी है। देखिए जी आपने सुना उस भट्ट साहब को कितना आला गाते हैं लेकिन वही मसला कि जिस तरह हमारे कितने ही लोग ज़ाया हो गए हैं टैलेंट इतना टैलेंट है पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और हर फील्ड में है लेकिन लोग ज़ाया करी जा रहे हैं। हमारी रियासत हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती कि यार हमने इन बच्चों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये भाई आला वाला सिंगर बन सकते हैं अगर ये इंडिया में होते हैं इनको इस वक्त चांस मिल गया होना था। इंडिया में कितने ही प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे वो अपने फन का मुजहरा कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। एक अलमरा ही है लेकिन वो भी उस लेवल का काम नहीं कर रहा जिस लेवल का करना चाहिए था। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग अपना टैलेंट ज़ाया करते हैं। ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं कोई बहुत आला एक्टर है कोई बहुत आला सिंगर है कोई बहुत आला मकैनिक है कोई अच्छे वाला साइंसदान है उसको छोटी छोटी चीज़ों को लेके पता नहीं कहाँ से क्या बनाए थे लेकिन हम लोग उनको ज़ाया करते हैं। यहाँ पे सब वो होता ही कुछ नहीं है जी वो जो होता है ना मेन चीज़ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब यहाँ पे मसला ही नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है वो डील ही नहीं करते वो बच्चों को कुछ समझते ही नहीं है। अभी भाई इतना बड़ा टैलेंट लेके बैठे इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत आला सिंगर बन सकते हैं। आए हम एक गाना और सुनते हैं जी भाई जान भट्ट साहब एक और आला वाला गाना। इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊं कहीं वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं देखा जब से है चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूँगा नहीं मैं किसी से कहूँगा नहीं मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मेरा तुम सहारा बनो रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूँगा नहीं मैं किसी से कहूँगा नहीं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू भट्ट साहब क्या मैसेज देंगे आप इस गवर्नमेंट को यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि वो क्या करे इस तरह का कि यार ये इस तरह के जो हमारे टैलेंट ज़ाया ना हो। भाई जो जो जिसको जिस जिस जैसे जैसे जिसी में टैलेंट है उसको टैलेंट आके आना चाहिए उसका जैसे कि आप कह रहे हो सिंगिंग में एक्टिंग में मैकेनिक में पेंटिंग में जो जो भी है पाकिस्तान में आना चाहिए। आते नहीं है कुछ ना कोई फंक्शन आते हैं ना कोई शोज आते हैं कुछ भी नहीं आता होता है कोई टीवी चैनल में ये आ रहा है वो आ रहा है जो भी हो रहा है आपको सामने ही है सारा पैसे लेके वगैरह फ्रॉड या सारा कुछ और कुछ भी है ही नहीं कोई आपको प्रोमो नहीं प्रमोट नहीं किया जाता किसी को नहीं किया जाता कुछ भी नहीं किया जाता भाई किसी में मेरे दोस्त हैं तीन चार वो भी इसी लाइन में है कोई नाद खाए हैं कोई सिंगिंग करता है कोई एक्टिंग करता है कोई रैपर है लेकिन कोई चक्कड़ी नहीं है वो आगे आते नहीं है। यार मैं देखें जो काम गवर्नमेंट ना कर रही वो हमारी टीम माइक वाली सरकार की टीम करेगी। अब हमने मैंने भाई को जब से अब गाना सुना है ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें जहाँ भी कोई भी टैलेंट मिलेगा उसको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके।
अपने मेज़बान गुलफाम खान और हुसनैन असलम और हुसनैन भट्ट साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।